भारतीय रेल अपने आप में बहुत से ऐसी आश्चर्यजनक बातें समेटे हुए हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ऐसे बहुत से रेलवे स्टेशन हैं जो किसी न किसी वजह से अपने आप में खास हैं। कुछ अपनी लंबाई को लेकर, कुछ अपनी ऊंचाई को लेकर, कुछ अपनी भूतिया होने की वजह से, तो कुछ अपने छोटे होने की वजह से चर्चा में है। लेकिन आज जिस रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो इन सब से हटके तो है ही। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऐसी रेलवे स्टेशन पर जहां आपको रेलवे का कोई भी कर्मचारी नहीं मिलेगा, साथ ही जिस रेलवे स्टेशन को रेलवे न चलाकर वहां के गांव वाले चलाते हैं। भला क्यों, बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, दबा दीजिए हमारा बेल आइकन ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुँचती रहे। राजस्थान में नागौर का जालसू नामक रेलवे स्टेशन, ये शायद देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां कोई रेलवे अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, फिर भी यहां 10 से ज्यादा ट्रेनें रुकती हैं। ग्रामीण टिकट काटते हैं और चंदा जुटाकर हर महीने करीब 1500 टिकट खरीदते हैं। दरअसल जालसू नामक गांव के हर घर में फौजी है, उनकी सुविधा के लिए सरकार ने 43 साल पहले 1976 में गांव में स्टेशन की सौगात दी। वर्तमान में गांव के 160 से ज्यादा बेटे सेना, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ में हैं, जबकि 200 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी हैं। 2005 में जोधपुर रीजन में कम आमदनी वाले स्टेशनों को बंद कर दिया गया था, ये स्टेशन भी बंद हो गया। इसके बाद रिटायर्ड फौजियों और ग्रामीणों ने धरना देकर विरोध किया तो रेलवे ने 11वें दिन स्टेशन शुरू कर दिया, लेकिन ग्रामीणों के सामने हर महीने 1500 टिकट और प्रतिदिन 50 टिकट बिक्री की शर्त रख दी। वहीं 1976 में रेलवे स्टेशन स्वीकृत होने के बाद रेलवे ने यहां एक लकड़ी की कुटिया बनाकर ट्रेनों का ठहराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने टिकट वितरण शुरू कर दिया, लेकिन 2001 तक इस स्टेशन पर कोई भी सुविधा नहीं थी। तब तत्कालीन सरपंच ने वहां पर पंचायत बुलाकर एक हॉल और बरामदा बनवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने चंदे से वहां पर प्याऊ बनवाया, साथ ही रिटायर्ड फौजियों ने फूलों का बागीचा भी तैयार कर दिया। आपको ये भी बताते चलिए कि ग्रामीणों ने स्टेशन संचालन के लिए 1,50,000 रुपए का चंदा रखा। ये राशि गांव में ब्याज पर ली गई थी और इससे हर माह 3,000 रुपए ब्याज मिलता है। वहीं 1500 टिकट बिक्री के चलते बुकिंग संभालने वाले ग्रामीण को 15% कमीशन भी मिलता है। तो कुल मिलाकर इस स्टेशन के बारे में बात करने का मतलब यही है कि ये स्टेशन अपने आप में वाकई अजीब है, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई कर्मचारी है और ना ही कोई रेलवे टिकट काउंटर, यानी कि यहाँ के गांव वाले ही इस रेलवे स्टेशन का पूरा कामकाज संभालते हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी अजब गजब खबरें आप तक तुरंत पहुंचती रहें।